नमस्कार, मैं हूं पलक पांडे और आप देख रहे हैं जीसीटी न्यूज। एक नजर दिन भर की खबरों पर। हथरस कांड को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। पीड़ित परिवार की ओर से निर्भया केस की वकील सीमा कुशवाहा हुई पेश। पीएम मोदी 22 अक्टूबर को कर सकते हैं बिहार में पहली चुनाव रैली। गया के गुरवा विधानसभा क्षेत्र में जन अधिकारी पार्टी के प्रत्याशी सुधीर कुमार वर्मा और विनोद मरांडी ने चलाया जनसंपर्क अभियान। कहा, जनता हमें मौका देती है तो सभी समस्याओं को करेंगे दूर। गया जिला के गुरवा प्रखंड में सुशील कुमार मोदी और सम्राट चौधरी का आगमन हुआ। लोगों से भाजपा प्रत्याशी रवि रंजन को वोट देने की आग्रह। एमसीडी दिल्ली के डॉक्टर वेतन के लिए उतरेंगे सड़क पर। जंतर मंतर पर करेंगे सुनवाई। फर्जी टीआरपी विवाद के बीच बीएआरसी ने 3 महीनों के लिए लगाया चैनलों के साप्ताहिक रेटिंग पर रोक। 6 महीने से अधिक समय के बाद आज खुला मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल, पर कोरोना के डर के कारण नहीं पहुंचे दर्शक। महाराष्ट्र में भारी वर्षा होने की वजह से पुणे में एक नहर में बहकर हुई 3 लोगों की मौत और एक लापता। बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबरॉय के घर पर बेंगलुरु पुलिस की छापामारी। फरार आदित्य अलवा को ढूंढ रही क्राइम ब्रांच। दिल्ली कैपिटल्स ने दी राजस्थान रॉयल्स को 13 रनों से मात। अनरिका मोर्टे रहे मैन ऑफ द मैच। दिन भर की खबरों के लिए बने रहें जीसीपी न्यूज के साथ। धन्यवाद।